गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर अंश पूंजी में कमी के बिना पुनर्निर्माण की योजना को लागू करना। जब भी अपन किसी भी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा अंश पूंजी में कमी ही की जाए, या कंपनी में जब बहुत अधिक लॉसेस चल रहे हों तब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। कई बार हम आर्थिक रूप से जो सुदृढ़ कंपनी होती है वो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को करती हैं। तो इस प्रकार की जब कंपनी अपने दायित्वों तथा पूंजी में उचित समायोजन करने के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण करती है, ऐसी पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत विभिन्न अंशधारियों के जो अधिकारों में परिवर्तन हो जाता है, या ऋणों का अंशों अथवा ऋण पत्रों में बदलना, ऋण पत्रों को अंशों में बदलना, या बोनस अंशों का निर्गमन या अंश पूंजी में वृद्धि आदि, इस प्रकार की योजना की विशेषताएँ होती हैं। अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें इलस्ट्रेशन नंबर 17 हमारा इसी टॉपिक का है, तो आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17। 31 मार्च 2017 को गुडलक लिमिटेड का चिट्ठा हमारा निम्न प्रकार से था। हमें बैलेंस शीट में दे रखी है ऑथोराइज में दो प्रकार की कैपिटल इश्यू, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें जनरल रिजर्व 20 लाख रुपये का दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें 9% रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं 6 लाख रुपए के, और लॉन्ग टर्म लोन से हमारे 3,20,000 रुपए की। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स हैं हमारे 1,80,000 रुपए की। असेट साइड में टेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर 3 दे रखी है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट है हमारे 4,50,000 रुपए की। करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक। विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को निम्नलिखित पुनर्निर्माण योजना को स्वीकृति की है। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल को 60 लाख रुपए तक बढ़ा दें। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल को 60 लाख रुपए तक अपने को बढ़ाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी की कैपिटल है इस समय ऑथोराइज्ड कैपिटल, वो चल रही है हमारी 22 लाख। 22 लाख की जगह हम इसको अप कर देंगे 60 लाख में। 60 लाख को हमने डिवाइड किया है 50 लाख के तो इक्विटी शेयर्स में, और 10 लाख के हमारे प्रेफरेंस शेयर्स में। सामान्य संचय के शेष का रुपये 11,50,000 रुपये की सीमा तक बोनस इक्विटी अंशों के निगमन के लिए पूंजीकरण किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है उसमें से हम 11,50,000 रुपये को कन्वर्ट कर देंगे बोनस शेयर्स के। कंपनी ने निश्चय किया कि प्रत्येक 4 इक्विटी अंशों के धारकों को 3 बोनस अंश दिया जाए। जो अंशधारी अपने 10% पूर्वाधिकार अंशों को बराबर संख्या में 8% पूर्वाधिकार अंशों में बदलवाने को सहमत हो जाते हैं। हमारी जो रेट ऑफ डिविडेंड थी वो 10% थी, 10% को चेंज करके हमें करना है 8%, और जो पूर्वाधिकार अंशधारी इस बात को के लिए सहमत होंगे उन्हें हम 4 पूर्वाधिकार अंशों के बदले में 1 बोनस शेयर देंगे। 9% शोधित ऋण पत्र धारकों को विकल्प है कि वे या तो अपने ऋण पत्रों को 10% वाले इक्विटी अंशों में 40% प्रीमियम पर परिवर्तित कर लें, अथवा सम मूल्य पर नकद राशि पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त कर लें। हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को 2 ऑप्शन दिए हैं। आप या तो हमसे कैश में पेमेंट ले लीजिए, जब आप कैश में पेमेंट लेंगे तो हम उसको देंगे, यदि हमारा 10 रुपये का डिबेंचर है तो हम 10 रुपये देंगे, लेकिन यदि वो हमारे शेयर्स लेने चाहें तो वो शेयर्स ले सकते हैं, लेकिन शेयर्स में हम उनको 10% वाले इक्विटी अंशों में 40% प्रीमियम वाला देंगे शेयर। शेष इक्विटी अंश वर्तमान अंशधारियों को 20% प्रीमियम पर निगमित किए जाए। इसके बाद जो हमारे पास शेष इक्विटी शेयर्स बचेंगे उसको हम 20% प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। पुनर्निर्माण व्यय 10,000 रुपये हुए। यह मानते हुए कि सभी पूर्वाधिकार अंशधारियों और 70% ऋण पत्रधारियों ने अपने परिवर्तन के विकल्प का प्रयोग किया है। हमारे जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स थे उन्होंने सभी ने विकल्प का उपयोग कर लिया है, और 70% ऋण पत्रधारियों ने परिवर्तन का विकल्प लिया, शेष को अपन नकद भुगतान करेंगे, तथा इक्विटी अंशों के निगमन की समस्त राशि अंशों के आवेदन के साथ ही प्राप्त हो गई है। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले अपन इसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल ऑफ गुडलक लिमिटेड में 2 साइड होती है हमारी, डेबिट
शामिल है। डी पार्टिकुलर्स या डिटेल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। जितनी भी हमारी एंट्रीज है वो सभी एंट्रीज अपन करेंगे 1 अप्रैल को। सबसे पहले अपन हमारा जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है उसको 11,50,000 रुपए को बोनस के लिए यूज करेंगे। तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 11,50,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फॉर इश्यू ऑफ बोनस। नेक्स्ट हमारे जो प्रिफरेंस शेयर्स हैं उनकी अपन रेट ऑफ डिविडेंड चेंज करेंगे। तो हमारी 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% से हम आ गए 8% पे। 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और सिंपल इसमें लिख देंगे अपन रेट ऑफ डिविडेंड चेंज्ड, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 10% प्रिफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट हम अपने वर्तमान जो अंशधारी हैं उनको बोनस शेयर्स देंगे। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है हमारा टोटल 11,50,000 रुपए। अब इसमें जो संख्या निकाली जाएगी उसको निकालने के लिए हम ये कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसमें जो 4 है उनको हम देंगे 3 बोनस शेयर। 4 वालों को आप दे रहे हैं 3 बोनस शेयर्स। तो हमारे वर्तमान में जो अंशधारी है उनकी संख्या है 1,20,000। 1,20,000 आपके टोटल शेयर्स हैं। तो 4 को तो अपन देंगे 3, 1 को देंगे 3/4। तो 1,20,000 को अपन कितना देंगे, हमारे को शेयर्स देने पड़ेंगे इनको 90,000। ये है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो आप ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ उसको 90,000 इंटू 10, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, तो ये होगी आपके 9,00,000। अब इसके बाद हमें देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये कहते हैं कि 4 को अपन देंगे 1, टोटल है अपने पास 1,00,000। टोटल प्रेफरेंस शेयर से हमने जो इश्यू कर रखे वो है 1,00,000। हम देंगे 4 जिनके पास अंश है उनको देंगे हम 1, तो 1 को कितना देंगे 1/4। 1,00,000 को हम देंगे 25,000 शेयर, 25,000 इंटू 10, ये हो गया हमारा 2,50,000। टोटल अमाउंट हो गई हमारी 11,50,000 रुपए। तो आपने बोनस भी इतना ही डिक्लेयर करना था, हमने पूरा का पूरा जो बोनस शेयर्स थे उसको कंज्यूम कर लिया
और ये अमाउंट आ गई हमारी पहले की तरह से 11,50,000। तो जब आप नरेशन लिखेंगे, ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है ये आप वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं या फिर आप इसको नरेशन में भी दिखा सकते हैं। 90,025,000 इक्विटी शेयर ऑफिस 10 ईच इशूड एज बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रेस्पेक्टिवली एज पर रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम। अब हम करेंगे हमारे डिबेंचर होल्डर्स का। तो सबसे पहले पूरी की पूरी अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 9% रिडीमेबल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। हमने जो डिबेंचर्स इशू कर रखे थे वो थे हमारे 6,00,000 रुपए की। इसमें से जो हमारे 70% शेयर्स थे, 6,00,000 में से 70% ने हमें ये कहा कि वो इक्विटी शेयर्स लेने को तैयार है, तो हमें इनको दिखाना पड़ेगा 4,20,000। तो नेक्स्ट एंट्री जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी स्कीम, क्योंकि हम इनको जो शेयर्स दे रहे हैं वो प्रीमियम वाले दे रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 4,20,000 अपन डिबेंचर होल्डर्स में लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे निकालने पड़ेंगे कि हम इनको कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स इशू करने का तरीका होगा, 4,20,000 हो गए आपके जिनको हमें पेमेंट करना है, और एक शेयर की वैल्यू हमने रखी है 14 रुपये। 14 रुपये किस प्रकार से आई, 10 रुपये तो हमारी शेयर की वैल्यू है और 40% प्रीमियम है। 10 रुपये का यदि अपन 40% निकालेंगे तो आपका होगा 4 रुपये, 10+4 अर्थात एक शेयर की वैल्यू हो गई 14 रुपये। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 4,20,000 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। अब 30,000 रुपये आएगा तो 10 रुपये शेयर की वैल्यू, तो ये तो हो गया हमारा 3,00,000 रुपये, और 30,000 × 4 1,20,000 रुपये टोटल हो गया हमारा 4,20,000 रुपये। अब जो रिमेनिंग हमारे डिबेंचर होल्डर्स बचे हैं उनको हमें करना पड़ेगा कैश में पेमेंट। तो आपकी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। हमें टोटल पेमेंट करना था डिबेंचर होल्डर्स को 6,00,000। 70% ने तो ऑप्शन ले लिया, उन्होंने इसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर्स लिए, तो शेष बचे हमारे 30%, ये हो गया हमारा 1,80,000, और 1,80,000 को हम कैश में पेमेंट कर देंगे और हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सिंपल आप लिख सकते हैं इसमें रिमेनिंग 30% डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ अमाउंट पेड। ये कहता है आपसे शेष इक्विटी अंश वर्तमान अंशधारियों को 20% प्रीमियम पर निगमित किए गए। तो आपकी एंट्री बनेगी सिंपल एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये जितनी भी मैंने एंट्रीज करी है वो सभी एंट्री अपन 1 अप्रैल को करके चल रहे हैं, मैंने डेट नहीं लिखी है इसमें, तो सभी एंट्रीज में 1 अप्रैल ही चलेगी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको ये देखना पड़ेगा अपन को कितने शेयर्स अपन ने इशू करें। कितने शेयर्स इशू करने के लिए हम ये देखेंगे कि हम अब तक कितने निगमित कर चुके हो, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो अपन इशू कर देंगे। टोटल जो हम इशू कर सकते हैं वो है हमारे 5,00,000 इक्विटी शेयर्स।
कुल अंश की संख्या पांच लाख। अब इसमें से जो अपन ने निगमित कर चुके उनको घटाते जाइए, लेस पूर्व में निगमित जो अपन ने पहले इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे वो थे हमारे 1,20,000, बोनस अंश में हमने 90,000 तो दिए थे इक्विटी को और 25,000 हमने दिए थे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को, टोटल हो गए हमारे 1,15,000। इसके बाद हमने डिबेंचर होल्डर्स को देगी यानी क्या था ऋण पत्र धारियों को, हमने डिबेंचर होल्डर्स को या ऋण पत्र धारियों को जो दिए वो थे हमारे 30,000 शेयर्स और हमने कहाँ दिए थे डिबेंचर होल्डर्स के अलावा हमने कहीं और नहीं दिए, सिर्फ इतने ही इशू करें अपन इसका टोटल कर लेंगे अपना। शेयर्स हम इशू कर चुके हैं अब तक, शेष हम जो इशू कर सकते हैं वो है हमारे 2,35,000। हम 2,35,000 रुपए के शेयर्स और इशू कर सकते हैं तो अब 2,35,000 नई निगमित अंश हो जाएंगे हमारे। एक शेयर की वैल्यू रखी है हमने 12 रुपए, 10 रुपए का शेयर है और 20% हम प्रीमियम देंगे तो 10 रुपए का यदि अपन 20% निकालेंगे तो आपका होता है 2 रुपए और एक शेयर की वैल्यू होगा इस तरह से 12 रुपए। अब आप 2,35,000 रुपए 2,35,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से तो आपका आ जाएगा 28,20,000 रुपए। 28,20,000 रुपये और डायरेक्शन हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,35,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर। अब एप्लीकेशन मनी को अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में और सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में हम शेयर्स टोटल है हमारे 2,35,000 10 23,50,000 और उसके बाद 2,35,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,70,000 टोटल आ जाएगा हमारा 28,20,000। आप चाहें तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में टोटल अपने को 28,20,000 रुपये लिखना था, इसमें से यदि हम 23,50,000 रुपये घटा देंगे तो शेष हमारा बच जाएगा 4,70,000 रुपए। इसके बाद हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे 10,000 तो अपनी एंट्री होगी रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि हमने कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट ओपन
नहीं कर रखा। अब अपन इसको रिटर्न ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो अपन लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, प्लस 1000 रुपये रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। बस ये सारी अपनी जनरल एंट्रीज थी। तो अपन इसके बाद अपन बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करें। सबसे पहले तो अपन इसमें लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल है आपके 5 लाख शेयर्स 10 रुपये वाले 50 लाख की, और 1 लाख 8% क्यूमुलेटिव शेयर्स 10 के, तो टोटल हो गया अपना 60 लाख। इसके बाद इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 1,08% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये के 10 लाख रुपये के दिखाएंगे। अब जो शेयर्स हैं आपके उसमें 3,55,000 इक्विटी शेयर्स 35,50,000 रुपये के हो गए। ये जो 3,55,000 अपन ने शेयर्स निकाले हैं ये इस तरह से संख्या आई है अपनी। आपके जो टोटल शेयर्स थे पहले के वो तो थे अपने 1,20,000 रुपये के। 1,20,000 जो अपन ने पब्लिक को इशू कर रखे थे उसमें 2,35,000 और जोड़ लो, 1,20,000 और 2,35,000। तीन लाख 55,000 जो हमने जनता को निलंबित कर रखे हैं, तो 3,55,000 इक्विटी शेयर ऑफिस 10 इज फुली पेड। और फिर हमने जो बोनस शेयर्स दे रखे हैं उसको लिखेंगे अपन 1,15,000 इक्विटी शेयर फीस 10 इज फुली पेड इशू प्लस बोनस शेयर्स 11,50,000 के। और 30,000 इक्विटी शेयर्स जो अपन ने डिबेंचर होल्डर्स को दिए थे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब हमारा जो जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारा 20 लाख था, 20 लाख में से अपन ने 11,50,000 बोनस के लिए यूज कर लिया था, तो शेष राशि यहाँ पे आ जाएगी 8,50,000 रुपये की। और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा आ जाएगा 5,80,000 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा इस तरह से आएगा, आपने जो डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स दिए उस समय सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने लिखा 1,20,000 रुपये का, सॉरी 4,70,000 रुपये हमने नए शेयर्स कर हुए, तो टोटल हो गया हमारे पास 5,90,000 रुपये का। 5,90,000 में से 10,000 अपन ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए लिया था, तो शेष बचा अपना 5,80,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में हमने कोई भी चेंज नहीं करा, ये एस टी से आ जाएंगे पुरानी बैलेंस शीट से 3,20,000 की, और क्रेडिटर्स भी हमारे आ जाएंगे एस टी से 1,80,000 रुपये। अब टेंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, ये तीनों भी फिगर इसी तरह से लिख दी जाएंगी 23 लाख 12 लाख और 3,50,000 रुपये की। इन्वेस्टमेंट 4,50,000 रुपये के। स्टॉक 5 लाख का। डेटर्स 3,60,000 की। और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में चेंज हो जाएगा हमारा। कैश एट बैंक में चेंज करते समय हम इसमें एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाते समय 1,40,000 था आपके पास पुराना बैलेंस, इसके बाद हमने नए शेयर्स इशू करे। नए शेयर्स इशू करने से हमारे पास अमाउंट आ गई 28,20,000। हमारा ओपनिंग बैलेंस था बैंक का, हमने जब नए शेयर्स इशू करे तो हमारे पास अमाउंट थी 28,20,000 की। टोटल बैलेंस हो गया हमारे पास 29,60,000। इसमें से हमने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करा और रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस में गए, तो ये हमारी टोटल अमाउंट जो गई 1,90,000 रुपये इसमें से हम घटा देंगे। शेष जो बैंक का बैलेंस बचना चाहिए वो हमारा आ जाएगा 27,00,000।
70,000 रुपये का। आप, मैंने तो इसका सिंपल तरीके से कर लिया, आप चाहो तो इसकी लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हो, और जो बैंक अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करेंगे उसको आप वर्किंग नोट में शो भी कर सकते हैं हम, और चाहो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। इसमें इतनी जरूरत नहीं होती कि छोटी छोटी चीज़ों की अपन लेजर पोस्टिंग करके चले। 27,70,000 रुपये का हमारा बैलेंस आ गया है। इस तरह से सारे हम आइटम्स लिख चुके हैं, और फिर हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का हमारा टोटल इक्वल हो जाए। और यहाँ हमने जो ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाई थी उसकी कोई भी जनरल प्रविष्टि नहीं की जाती, और पुनर्निर्माण से संबंधित जो भी हमारे व्यय थे वो पूंजीगत व्यय होते, इसलिए हमने प्रतिभूति प्रीमियम खाते से उसको अपलिखित कर दिया। क्योंकि यदि कोई हमारा पूंजीगत व्यय नहीं होता और आयगत व्यय होता है उसको तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पूंजीगत व्यय को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर करके हमको उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। थैंक यू।